नमस्कार, मेरा नाम हरदविंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिनेरियो। सिनेरियो के बारे में पढ़ेंगे आज। स्प्रेडशीट में सिनेरियो का क्या काम है, क्यों हम इसको, किस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिनेरियो एक्चुअली क्या है? सिनेरियो को हम व्हाट इफ्स भी बोलते हैं। व्हाट इफ मीन्स अगर ऐसा हुआ तो क्या डिस्प्ले होगा, अगर ऐसे करते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा। मैं आपको ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ, एक सिंपल आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। सपोज आप कोई एक टेलीकॉम कंपनी के लिए सिनेरियो बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल्स या स्मार्ट वॉचेस की सेल करते हैं, उस किसी टेलीकॉम स्टोर के लिए आप एक एप्लीकेशन बनानी है स्प्रेडशीट के अंदर, अलग अलग ब्रांड्स के लिए। सपोज आपने एक सिनेरियो बनाना है स्मार्ट वॉचेस के लिए, तो लेट मी राइट हियर फर्स्टली, स्मार्ट वॉचेस के लिए आपने बनाना है कुछ आइटम नेम स्मार्ट वॉच। कस्टमर आता है उनके पास, वो पूछता है कि मैंने एक स्मार्ट वॉच लेनी है और मेरी जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 से लेकर 5000 तक है। मैं 5000 या 5.5 या 6000 तक पैसे खर्च कर सकता हूँ, 3000 से और 6000 के बीच बीच में पैसे खर्च करके। मुझे बताइए कि मैं पूरा घर से सोच के नहीं आया हूँ कि मुझे कौन सी स्मार्ट वॉच खरीदनी है, आप बताइए कि कौन सी मेरे लिए सही रहेगी। तो आप उनके लिए एक सिनेरियो डिस्प्ले कर सकते हैं उनको। अगर आप इस ब्रांड की, आप फायरबॉल्ट की स्मार्ट वॉच लेते हैं तो आपको 4999 रुपए की होगी और उसमें से 10% आपको डिस्काउंट होगा और जीएसटी लगा के आपको 5309 रुपए पे करने हैं। उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे 1.7 इंच की उसकी स्क्रीन है, बैटरी लाइफ 8 दिन की है और उसका ग्राम है 57 ग्राम है, मतलब थोड़ी आपके लिए ईजी रहेगी, वेरिएबल है, हल्की है। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ और भी बताइए, कुछ और ब्रांड्स के बारे में भी। आप अलग अलग सिनेरियोस बना सकते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है दूसरे सिनेरियो के केस में, लाइक रियल मी के वॉच खरीदते हैं तो उसके लिए क्या कॉस्ट रहेगी, जॉनी की खरीदते हैं तो उसके लिए क्या होगा, अगर वो किसी और कंपनी की लाइक सैमसंग की कोई स्मार्ट वॉच लेते हैं तो उसके लिए क्या कॉस्ट रहेगी और क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, इसके लिए हमने सिनेरियो बनाया। तो सिंपली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना जिसके लिए आप स्मार्ट सिनेरियो बना रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है सिनेरियो की। सिनेरियो जब आपने ऑन किया तो आपने देखा वहाँ पे नेम ऑफ सिनेरियो लिखा हुआ है, sheet1 scenario 1, ये डिफॉल्ट नेम है, आप इसको चेंज कर देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम, जो ब्रांड का नाम है वही रख लेते हैं, फायरबॉट इसका नाम रख लेते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। टूल्स में जाएंगे, आप जाओगे सिनेरियो के लिए आपको पूरा ये अपना डेटा सेलेक्ट करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि सिनेरियो के अंदर जाके आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फायरबॉट। फायरबॉट के लिए कलर डिसाइड कर लेते हैं, इस सिनेरियो के लिए कौन सा कलर आपको सही लगेगा वो अच्छा है। अब कॉपी बैक की ऑप्शन हटा दीजिए, प्रिवेंट चेंजेस की ऑप्शन हटा दीजिए, डिस्प्ले बॉर्डर रहने दीजिए। और यहाँ पे कमेंट्स हैं, कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो कमेंट है वो रहेंगे अदरवाइज। तो ये फायरबॉट के लिए एक सिनेरियो बन गया। तो अब हमने दूसरा सिनेरियो बनाना है रियलमी के ब्रांड के लिए। रियलमी की जो स्मार्ट वॉच है उसकी कॉस्ट है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 4599 रुपये और उस पर डिस्काउंट है 23% का और कस्टमर ने उसके लिए 4178 रुपये पे करने हैं और उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी और भी बढ़िया है, 1.75 है और उसके ऊपर अगर बैटरी लाइफ देखें तो उसकी 6 दिन की है, तो वेट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है सभी स्मार्ट वॉचेस का। तो ये दूसरा ब्रांड बनाया हमने रियलमी का। तब रियलमी का सिनेरियो भी आपने सेव करना है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आप सिमिलरली टूल्स में जाना है, दोबारा से सिनेरियो में जाना, आपने सिनेरियो के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी और अब आप इसके लिए सेकंड नेम दे सकते हैं रियलमी। तो ये सिनेरियो भी आपका सेव हो गया। अभी तक हम दो सिनेरियो सेव कर चुके हैं, फायरबॉट एंड द सेकंड इज रियलमी।
तो अब आपने तीसरा सिनेरियो बनाना है। अब इसने दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए, टूल्स में जाइए और फिर से सिनेरियो के अंदर अब हम बनाएंगे सिनेरियो। कॉपी बैक को हटा देना, भूलना भूलना नहीं है। कॉपी बैक हटाने के लिए आपने अब रखने हैं अपने जियोनी के लिए। जियोनी के लिए कलर डिसाइड कर लीजिए कौन सा लेना आपने, और एक मिनट, पहले ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख दीजिए जियोनी। और स्मार्ट वॉच या इसकी जो कॉस्ट है मान लो 2999 रुपये है, और इसके लिए डिस्काउंट है मान लो 558% है, और कॉस्ट इसकी GST लगा के इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ती है। और इसका जो वे स्क्रीन है 1.7 की है, 1.7 इंच की, और इसकी बैटरी लाइफ 10 डेज की है। और आइटम का जो वेट है वो और भी हल्का है, इसमें मान लो 50 ग्राम है। तो अब इस सिनेरियो को आपने सेव कर देना है। टूल्स में जाके सिनेरियो में आप जाएंगे एंड हेयर आप नाम दे सकते हैं जियोनी। और मान लो अगला आपका जो है सैमसंग की वॉच है, सैमसंग की स्मार्ट वॉच थोड़ी महंगी है, 5,000 की है मान लो, और इसके डिस्काउंट भी बहुत कम है, 12% है, और GST सेम ही है, और इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा है, और बैटरी लाइफ भी इसकी ज़्यादा है, 15 दिन की है, और ग्राम्स में इसका वेट भी कम है। तो अब सैमसंग का सिनेरियो आपने कॉपी करना है। टूल्स में जाके सिनेरियो में जाएंगे आप एंड हेयर आप देख सकते हैं सैमसंग, और इसके लिए आपने कलर डिसाइड कर लिया मान लो दिस वन। कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस को अनक्लिक कर देना। तो बच्चों हमने अलग अलग सिनेरियोस बनाए हैं। हमने कस्टमर को शो करना है कि अगर आप फायरबॉट खरीदते हैं तो आपने 5,309 रुपये पे करने हैं, और आपको ये स्पेसिफिकेशंस इसमें मिलने वाली हैं। और अगर आप रियलमी खरीदते हैं तो आपको 1,522 रुपये पे करने हैं, और इसकी ये स्पेसिफिकेशंस आपको इसमें मिलने वाली हैं। और अगर आप जोनी के खरीदते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, जोनी सॉरी सैमसंग का सिनेरियो देना था इसमें, ये है सैमसंग का सिनेरियो। जो जोनी का सिनेरियो था ये पे बैक हो गया था, हमने अनचेक करना भूल गए थे, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। चलो जो भी है, आपने थोड़ा यहाँ पे ना कॉपी पैक की ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गई थी। ये जोनी के लिए रियलमी हो गया, ये फायरबॉट केस है, ये सैमसंग है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हमने बनाए हैं, तो ऐसे आप सिनेरियोस बना सकते हैं। तो यही एक यूज है सिनेरियो का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा जो भी हमने आज सिनेरियो डिस्कस किया है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQs की फॉर्म में, कि सिनेरियो उसका कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इस केस में कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, कौन सी सिनेरियो, या आप कह सकते हैं कंसोलिडेट। तो आप सिनेरियो कंडीशन देख लेंगे, आप समझ लेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा कि सिनेरियो का केस है। पूछ सकते हैं कि कौन सी मेन्यू में है, वो टूल्स की मेन्यू में है, और पूछ सकते हैं टूल्स के अंदर अगर आप सिनेरियो सेलेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट नेम क्या होता है सिनेरियो का। तो आप बता सकते हैं कि सिनेरियो का जो डिफॉल्ट नेम है, शीट 1 शीट का नाम होता है, अंडरस्कोर उसके बाद सिनेरियो लिखा होता है, उसके बाद जो नंबर है सिनेरियो का वो लिखा होता है, 5, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है। उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स आती हैं, कॉपी पैक की सेटिंग होती है, कॉपी एंटायर शीट की, प्रिवेंट चेंजेस की, और डिस्प्ले कलर की, ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं क्वेश्चन सिनेरियो के लिए आपको एग्जाम एग्जाम में। थैंक यू बच्चों, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।